22वां क्वेश्चन है शायद। एक्स एक घनात्मक पूर्णांक है यदि एन बटा 810 इसके समान है डी एक अंक है तो एन का मान बताना है। आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। एन अपॉन 810 को आप लिख सकते हैं 0.25 बार, और इसी को ही मैं लिख सकता हूं डी 25 अपॉन 999, क्योंकि डी 2 और 5 तीनों रिपीट हो रहे हैं। अगर आप काटते हैं इसे तो एन इंटू 37 डी 25 इंटू 30 होगा, और एन अगर आप देखते हैं, अगर आप एन देखते हैं तो वो 30 से भाग हो गई होगा, क्योंकि यहां 30 आ रहा है, इसमें 30 नहीं है तो इसमें 30 होगा। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए हमने देखा यहाँ पर, आपने देखा कि यहाँ 30 है, यहाँ 30 नहीं है तो यहाँ पर 30 होना जरूरी है, तो जिस ऑप्शन में 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसे अगर बनाना होगा हमें तो क्या करेंगे, अगर ऑप्शन और भी मिल जाते हैं तो देखिए वो भी चीज़ बता देता हूँ। आपने देखा 30 यहाँ पर है तो 30 इसी में होगा, इसमें तो है नहीं, यहाँ पर 37 है तो इसमें 37 होगा क्योंकि इसमें नहीं है, तो डी 25 लाना है 37 से डिवाइड करके। तो लास्ट संख्या तो 5 ही होगी क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अब यहां 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं 37 × 15 तो ये आ जाएगा लास्ट में 25 नहीं आएगा। अगर मैं 37 × 25 करता हूं तो ये 925 आ जाएगा, यानी आपने देखा लास्ट में 25 आ रहा है तो इसी की बात हो रही होगी, तो यानी यहां पर क्या आ जाएगा D25 आ गया। यहां पर D की जगह क्या होगा, 9 होगा, एन की जगह क्या आएगा 925 × 30/37। सॉल्व करेंगे 750 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 750 आंसर हो जाएगा। तो या तो आप ऑप्शन सही कर सकते थे या आप इस तरीके से बना के कर सकते हैं। अगर इस पर क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें और क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि m और n घनात्मक पूर्णांक हैं और m अपॉन 810 इसके समान है तो m प्लस n का मान बताना है। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, CDS में आया हुआ है। उसी टाइप का ही क्वेश्चन है ये भी। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं,
जिसे काटेंगे तो वापस वही बन जाएगा, ये 37, ये 30। अब आपने ही देखा था, कि 37 को किसी चीज़ से गुणा करना है और 9n5 लाना है, यानी लास्ट में 5 होना चाहिए। ये हमने देखा था, 37 को 25 से गुणा करेंगे तो 9 25 आ जाएगा, तो यानी n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n की जगह 2 आ गया, 9 25 इंटू 30/37, ये m आ जाएगा। अगर ये 25 है तो 25 75, यानी एम की वैल्यू 750 हो जाएगी। तो एम 750 हो गया और एन 2 हो गया, टोटल करेंगे 752 आपका आंसर हो जाएगा। एक बात दोबारा से समझिए, देखिए, एम इंटू 37 एंड 9n5 इंटू 30। तो आपने देखा है कि 30 इसके अंदर होगा और 37 इसके अंदर होगा, तो 37 का टेबल पढ़ना है और लास्ट में 5 आना चाहिए, और आपने देखा लास्ट में 5 आ गया ये 5 से। फिर आपने एक चीज़ और देखी कि 9n है, n की वैल्यू मुझे नहीं भी पता, तो 9n यानी 37 दूनी 74 होता है, तो 2 बारी में ही जाएगा। फिर आपने 25 को 37 से गुणा करके देखा तो 925 आ गया, जिससे n का मान 2 मिल गया। तो 9 25 इंटू 30/37, m की वैल्यू 750 आ जाएगी, टोटल करेंगे m प्लस n यानी 752 हो जाएगा। ये 17 में इसका क्वेश्चन है। इसका मान बताना है आपको, एक तो चीज़ हमारे पास थी डीएस। डीएस में हम क्या करते थे, इसके अंकों का योग 2 है, ऊपर जाके 5 हो जाएगा, 5 5 5, 9 बार 5, 9 बार 5 का मतलब हो गया 45। तो 45 अगर आप देखते हैं, यानी 9, तो 9 तो सभी का आ रहा है, इसका भी इसका भी इसका भी, इसका नहीं आ रहा, तो यानी यहाँ पर तो हमारा वो डीएस वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं कर पाया, जिसके बेसिस पे हम आंसर मार्क कर सकते थे। एक और चीज़ हम देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कई बार इस टाइप के क्वेश्चन में आप आखिरी के 2 नंबर या आखिरी के 1 नंबर से भी आंसर कर सकते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 5, फिर 50, फिर 500, तो आखिरी में तो देखिए क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। 55 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे वाला पार्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, 500 लिख रहे हैं आप, 5000 लिख रहे हैं, केवल आखिरी की 2 संख्या देख के ही आंसर मिल जाएगा। आपने देखा इसमें 55 आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिए ये भी 17 मेंस का ही है,
ये आपको निकालना है। देखिए अब हम देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आंसर में आप ऑप्शन में देखते हैं तो नंबर सीधा सीधा आपको दिख रहा है, और मैं देखता हूं सभी के अंकों का योग अलग अलग है, तो क्यों ना हम अंकों के योग पे काम करके इसका आंसर निकालें। देखिए अंकों के योग पे काम करने से पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ भी नौ, यहाँ भी नौ, यहाँ भी नौ, नीचे नौ आ रहा है, तो अंकों के योग पे काम करते वक्त मैंने बताया था अगर कभी नीचे नौ आ रहा है तो पहले नौ से काटिए ऊपर नीचे। अगर मैं नौ से काटता हूँ, देखिए चार आ जाएगा, ये चार आ जाएगा, मुझे डेसिमल से मतलब नहीं है क्योंकि हम अंकों के योग पे काम कर रहे हैं। नौ से काटेंगे दो आ जाएगा, नौ से काटेंगे 12, नौ से काटेंगे 24। अब अगर आप अंकों के योग पे काम करते हैं, इसका 9 है, 9 के साथ 0 हो गया, 8 4 12 यानी 3, 3 चौक 12 यानी 3 आ जाएगा। इसका अंकों का योग देखिए 3 3 9 0 हो जाएगा, 2 8 16 यानी 7, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझिए ध्यान से। देखिए मैंने आपको एक बात बताई, डीएस हमने जब किया कि भाई कभी भी डिनोमिनेटर में 9 3 या 6 आता है, अगर 3 या 6 आता है तो 3 से काटिए ऊपर नीचे, और अगर नीचे 9 आता है तो 9 से काटिए ऊपर नीचे, फिर अंकों का योग निकालिए। मैं देखता हूँ मेरे चारों ऑप्शन के अंकों के योग अलग अलग हैं, क्यों ना ऐसा करें सीधा इसी पे ही काम करें। अगर मैं देखता हूँ 9 से मैंने काटा कॉमन लेके, 4 4 2 12 24, जहाँ भी 9 बन गए तो 0 हो गया, ये आपने देखा 3 3 चौक 12 यानी 3, ये आपने देखा 16 यानी 7, 7 माइनस 6 1, क्योंकि ये भी 9 है तो आंसर आपका 3 आ गया, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आपका, ये भी 17 मेंस का ही है। 17 मेंस में ऐसे काफी क्वेश्चन आए हैं जिसमें आप ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ सभी ऑप्शन के अंकों का योग अलग अलग है, इसका 6, इसका 3, इसका 1, इसका 2, तो सीधा हम डीएस लगाएंगे। 3 से काटते हैं पहले, तो 3 ये हो गया और 2 ये हो गया यानी 6, 6 5 11 यानी 2 हो गया, 3 दूनी 6 आ गया, 5 ये हो गया, 5 ये हो गया, 5 5 25 यानी 7, 7 8 56 यानी 2, 7 और 6 कितना हो गया 13 का यानी 4 हो गया, और नीचे 2 होता है तो 5 से गुणा कर देते हैं, तो जिसके अंकों का योग 2 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उसका एप्लीकेटिव पार्ट है, तो डीएस पे बेस काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं और आप आगे भी देखेंगे, पर केवल दिखेंगे वो नहीं जिसने डीएस डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, क्योंकि मैंने देखी इसमें नीचे देखते ही देखा कि 3 आ रहा है नीचे, 9 नहीं आ रहा, इसलिए मैंने सबसे पहले 3 से ही काट दिया। 3 से अगर मैंने काटा तो डीएस ये आ गया, नीचे 2 आ गया, और नीचे अगर 2 आता है तो 5 से रिवर्स कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। आपने देखा किसके ऑप्शन में 2 आ रहा है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी 17 मेंस का है। देखिए क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले आप बना के कर सकते हैं इसे,
वन अपॉन 0.001, तो यानी 100 हो गया, ये 100 हो गया तो इसका स्क्वायर यानी 10,000 हो जाएगा। इस तरीके से मैं देखता हूँ, ये 4 हो गया, ये 400 हो जाएगा, प्लस करते हैं तो आखिर में क्या आएगा, 504 आएगा। 504 इसलिए बोला मैंने क्योंकि आखिरी की तीन संख्या अलग हैं। अगर आखिरी की दो संख्या अलग होती तो मैं केवल आखिरी की दो संख्या पर काम करता, क्योंकि आखिरी की तीन संख्या अलग हैं इसलिए आपने केवल आखिरी की तीन संख्या पर काम किया। इसके अलावा जैसे कि हमने डीएस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप डीएस से भी इसे कर सकते हैं। इसके अंकों का योग 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। यहाँ 25 हो गया, 25 का मतलब आपको पता है नीचे 7, 7 का मतलब होता है ऊपर 4, तो ये तो कट गया, बचा 1, यानी जिसके अंकों का योग 1 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी डीएस के कॉन्सेप्ट से भी आप इसे निकाल सकते थे। सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करी है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। इसके अलावा भी कोई कॉन्सेप्ट बचेगा तो वो हम नंबर सिस्टम में करेंगे, नंबर सिस्टम में थोड़े बहुत क्वेश्चन और देखेंगे। बाकी डेसिमल में आज के लिए इतना ही है, आगे नेक्स्ट क्लास में आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना आप नोट कर सकते हैं। गुड बाय।